सिरसा में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव मामले में 5 किसान गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी रिहाई को लेकर किसानों ने एसपी आवास के घेराव का ऐलान किया था। पुलिस ने किसानों को एसपी आवास जाने नहीं दिया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। पुलिस की 25 कंपनियां तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बीते 11 जुलाई को भाजपा की मीटिंग के दौरान डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुए हमले के चलते सिरसा पुलिस ने 100 लोगों पर मामला दर्ज किया था, जिसमें 5 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए आज किसानों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर ऐलान किया हुआ है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की गई है। इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लघु सचिवालय के मेन गेट के बाहर 3 लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं एसपी ऑफिस तक आने के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और कंपनियां भी बुलाई गई हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। भूमन शाह चौक से एसपी ऑफिस तक पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में किसान सिरसा पहुंचे हैं। राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का भी ऐलान किया हुआ है। सुरक्षा में पैरा मिलिट्री फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं। आरएएफ और आईटीबीपी की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। सिरसा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। ड्रोन कैमरों व सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। वाटर कैनन, आंसू गैस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात हैं। महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की गई हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं।